आज हम कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास फिलोसोफर्स की बात करेंगे, या आप ये कहें वर्ल्ड क्लास समाज सुधारक, जिन्होंने पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बदलने पर मजबूर कर दिया। अब बदलने पर मजबूर करने का मतलब है कि उनकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किया। तो कभी कभार ह्यूमंस में कुछ ऐसा म्यूटेशन आ जाता है, ह्यूमंस की जो न्यूरॉन्स हैं कुछ ऐसे रिएक्ट करने लगती हैं कि कुछ कोई विरला ही पैदा हो जाता है। और मैं कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास नॉन डुअल, या आप इनको गुरुस कह लीजिए, फिलोसोफर कह लीजिए, समाज सुधारक कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, वर्ल्ड लीडर्स कह लीजिए, इन्होंने अपनी नॉन डुअल फिलॉसफी से, अद्वैत फिलॉसफी से सबको एक कर दिया, यूनाइट कर दिया, यूनाइट सबको एक कर दिया। यानी तुम में, मुझ में और बाकी किसी भी चीज की दुनिया में कोई फर्क नहीं है, सब एक है। यूनिवर्स इज अ सिंगल यूनिट। और इसीलिए फिर एक दूसरे की मदद करते हो। चलो, सबसे पहला नाम इसमें आता है, सबसे पहले जो फिलोसोफर थे, अष्टावक्र। अष्टावक्र फेमस हैं अपनी अष्टावक्र गीता के नाम से। अष्टावक्र ने राजा जनक को जो सेल्फ की नॉलेज दी, जो आत्मन की नॉलेज दी, उसके लिए अष्टावक्र जाने जाते हैं। उसमें बताते हैं कि जो आत्मन है आपका, जो सेल्फ है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वही है सब कुछ, वो है कंप्लीट कॉन्शियसनेस, वही है भगवान, परमात्मा, गॉड, जिसको आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर ही है। कॉन्शियसनेस जो है सिर्फ वही एब्सोल्यूट रियलिटी है, वही सच्ची है, वही ट्रू है। तो अष्टावक्र जो है वो ये बताते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब यहां पर कि जो आपके अंदर एक न्यूट्रल मेडिटेटिव पर्सन बैठा हुआ है, जो इम्पार्शियल स्पेक्टेटर है, जो वाइस एडवोकेट है, उसकी बात की जा रही है, जो जानता है सही और गलत क्या है, क्योंकि वो उससे भी बियॉन्ड है, उससे भी ऊपर है, जिसको आत्मन कहा गया। तो अष्टावक्र ने ऐसे एनलाइटन किया था राजा जनक को। अष्टावक्र थे, आठ अंग जो थे उनके टेढ़े मेढ़े थे अष्टावक्र के, लेकिन इंटेलिजेंस ऐसी कि डायरेक्ट एनलाइटनमेंट कर देते थे, डायरेक्ट एनलाइटन कर देते थे। दूसरे नंबर पर, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, दूसरे नंबर पे मानता हूं गौतम बुद्धा को। गौतम बुद्धा, इन्होंने इन्होंने फिलॉसफी को इतना, इन्होंने चीजों को इतना ज्यादा सिंपल कर दिया कि कुछ लेवल देने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नाम देने की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध ने, कोई सेल्फ नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करते हैं और पाते हैं कि एक एम्प्टीनेस है, एक नथिंगनेस है, कुछ नहीं है, बस खाली कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। कोई लेवल देने की जरूरत भी नहीं है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ उसको, कुछ जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिसको निर्वाण कहा गया कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है। तो निर्वाण का मतलब है कि आप नथिंगनेस में कंप्लीटली जा चुके हो, कंप्लीट एम्प्टीनेस, कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट जीरोनेस है, शून्यता है, और वही एब्सोल्यूट रियलिटी, वही सच्ची है। और जब आपको ये पता लग जाता है तो आपको निर्वाण मिल गया, क्योंकि आपको रियलिटी पता लग गई।
जब सब कुछ शून्य ही है तो क्या करना, बस मेडिटेट करो, देखो चीजों को, जानो बस, ज्यादा सीरियसली उनको लेना नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं जिन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। एक टाइम पर जब इंडिया के जो स्क्रिप्चर्स वगैरह थे, इंडिया अपने इंडिया की जो जो वास्ट फिलॉसफी है वो डिवाइड हो रही थी, बट रही थी। एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी के भाग्य विधाता जगत गुरु आदि शंकराचार्य, इनसे डिबेट में कोई नहीं जीत पाता था। आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी, अद्वैत नॉन डुअलिटी तो पहले से चली हुई आ रही थी, लेकिन अद्वैत वेदांता को किसी ने एक्चुअल में प्रमोट किया अगर, और पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया, वो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने कहा कि ओनली ब्राह्मण इज रियल, वही एब्सोल्यूट रियलिटी, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ। वही है सब कुछ। जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वही परमात्मा है, वही गॉड है। नॉन डुअलिटी। और बाकी सारी चीजें फॉल्स है, माया है। यानी समझने की बात अगर मैं बोलूं आपसे, समझाने की के पर्पस से, तो जिसको बुद्ध ने कहा कि नथिंगनेस है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसको शंकराचार्य ने बोला जो कुछ नहीं है इसको ब्रह्म बोल दिया। यहां पर ब्रह्म, ये इल्यूजन वाला ब्रह्म नहीं है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी वाला ब्रह्म है। जिसको बुद्ध ने कहा कि नथिंगनेस है, कुछ नहीं है, शंकराचार्य ने कहा कि ये एब्सोल्यूट रियलिटी जो है वो ब्रह्म है, और बाकी सारी मिथ्या है, बाकी सारा जो है वो माया है। क्यों? इसको एक ऐसी मीनिंग दे दी कि इसको, क्योंकि कुछ लोग थे जो, कई लोग थे जो इस चीज को लेकर कि यार कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब क्योंकि हर एक पर्सन अलग है, डिफरेंट है, तो एक उस चीज को, एब्सोल्यूट रियलिटी को जो है वो, जिसको बुद्ध ने कहा कि कुछ नहीं है, शंकराचार्य ने कहा यही सब कुछ है, यही एवरीथिंग है, ये इनफाइनाइट है, यही यही गॉड है, यही सब कुछ बना रही है। तो इससे एक पर्सन अपने आप को समझने लगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना वास्ट है, उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो गई। फिर वो छोटी मोटी चीजों से, छोटे मोटे जो दुख सफरिंग है उससे नहीं डरता, क्योंकि वो जब इतना इनफाइनाइट है, जो ब्रह्म है, जो वो अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्म ही है, वो छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। और फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद ऐसा व्यक्ति आता है जो जो स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से कंप्लीटली बदल देता है, जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति मतलब मैं क्या बताऊं, जो कहां से ये लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति अनकंडीशन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो कंडीशन नहीं है, जो प्रोग्राम्ड नहीं है, जो एफर्टलेसली चल रही है। इसलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया चॉइसलेस अवेयरनेस का, यानी कोई कंडीशन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, जस्ट अवेयर रहो, जस्ट बी अवेयर। जय कृष्णमूर्ति ने बताया द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है,
साइकोलॉजिकल लेवल पर, कि जो भी हम सोच रहे हैं, जान रहे हैं, समझते हैं, जो भी इंटेलिजेंस है वो भी इमेज है, जो हम जानना चाहते हैं वो भी एक इमेज है, वो भी हमारे अंदर एक स्टोरी है, तो स्टोरी स्टोरी को ही देख रही है। हालांकि जय कृष्णमूर्ति के बारे में मैंने डिटेल में काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो ये चार लोग जो थे, इनके बारे में भी ज्यादा लोग जानते नहीं है। बुद्धा के बारे में भी बस लोगों को थोड़ी मोड़ी, बस सरफेस लेवल की बातें पता है। अष्टावक्र के बारे में भी, अष्टावक्र गीता को भी इतना ज्यादा कोई प्रमोट नहीं कर पाया, ना ही अष्टावक्र गीता कोई पढ़ता है ज्यादा। आदि शंकराचार्य की जो नॉन डुअल फिलॉसफी, अद्वैत वेदांता, बहुत कम लोग जानते हैं। जय कृष्णमूर्ति को असल में इन लोगों तक पहुंच ही वो व्यक्ति पाता है जिसका लेवल थोड़ा ऐसा हो गया है, इनको कोई समझ भी नहीं पाएगा, जिसकी जिसकी कॉन्शियसनेस खुद इतनी ऊपर उठ चुकी है वो समझ सकता है इन चारों लोगों को। सो आई होप मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाया होगा। कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको अच्छा लगा कुछ पार्ट, तो थैंक यू वेरी मच।